स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डैफोडिल्स। तो वर्कबुक सॉल्यूशन देखेंगे हम। सबसे पहला एक्सट्रैक्ट है और सबसे पहले एक्सट्रैक्ट से पहला क्वेश्चन है कि हु हैज बीन रेफर टू एज आई इन द फर्स्ट लाइन। यहाँ पे आई किसको बोला गया है? वेयर डू यू थिंक वॉज ही वंडरिंग। और ये जो आई है ये कहाँ जो है घूम रहा था, वंडर कर रहा था, भटक रहा था। The poet is referred to as I in the first line. ये I कौन है? ये I कोई और नहीं बल्कि खुद poet है। He was wandering all alone in the woods of Lake District. यानी कि वो जो है कि जो lake है उसके आसपास जो है घाटियों में, वादियों में घूम रहा था, है ना। इसमें शुरुआत में इसने कहा है कि wandering as a cloud high over the vales and hills. तो घाटियों और वादियों में वो घूम रहा था अकेला। What does the poet encounter while wandering? तो poet का सामना किस चीज से होता है जब वो घूम रहा होता है, wander कर रहा होता है? Where does he encounter them? और ये सामना उसका कहाँ होता है, किससे सामना होता है और कहाँ होता है? Suddenly the poet saw a large number of golden daffodils. एकाएक जो poet होता है वो ढेर सारे सुनहरे daffodils को देखता है। They grew beneath trees along the edge of a lake. तो कहाँ पे देखता है? तो ये वो थे जो पेड़ के नीचे, कहाँ थे ये पेड़ के नीचे थे। Along the edge of the lake, यानी कि जो झील है उसके किनारों पर। Why do you think the poet refers to the golden वो daffodils as golden? यहाँ पे जो poet है वो daffodils को सुनहरा क्यों कह रहा है, सोने के रंग का? The daffodils were yellow and they were shining in the sun like gold. तो यहाँ पे इसलिए कह रहा है क्योंकि जो डैफोडिल्स थे, जो फ्लावर्स थे, वो पीले थे और धूप में सोने के मानिंद चमक रहे थे, तो इसीलिए उसने ऐसा कहा। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग लाइंस विथ रेफरेंस टू द पोयम। अब क्या इनकी इम्पोर्टेंस है इन लाइंस की? बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज, यानी झील के पास, पेड़ों के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, फड़फड़ाते हुए क्या कर रहे थे ये, लहराते हुए नाच रहे थे ना ब्रीज यानी कि शीतल हवा में। इट वॉज ब्यूटीफुल सीन ऑफ नेचर, ये कैसा था, खूबसूरत नजारा था प्रकृति का। देयर वॉज अ लेक एंड देयर वेल ट्रीज एंड द डैफोडिल वेयर हैप्पीली डांसिंग इन द ब्रीज। वहां पे एक झील थी और पेड़ थे और उसके नीचे जो ये डैफोडिल थे वो खुशी से झूम रहे थे, नाच रहे थे शीतल पवन में। द पोएट वॉज लोनली एंड सैड, जो पोएट है वो काफी अकेला था और दुखी था। दिस सीन लिफ्टेड हिज स्पिरिट एंड मेड हिम हैप्पी, और ये जो दृश्य है उसने जो है कि उसकी भावनाओं को उजागर किया, बढ़ाया और उसको खुश किया। तो ये इंपॉर्टेंस है इन लाइन्स का। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द फॉलोइंग लाइन्स, ये जो लाइन है when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज है? तो यहाँ पे जो है ना हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच यूज है। हाउ मेनी डेफोडिल्स डू थिंक द पोएट सॉ, क्या सोचते हो आप कितने सारे डेफोडिल्स पोएट ने देखे? गिव रीजन फॉर योर आंसर, इसकी वजह बतानी है। तो हो तो गया कि इसका जो फिगर ऑफ स्पीच है इन लाइन्स की वो है हाइपरबोल। ही सॉ होस्ट ऑफ डेफोडिल्स, उसने एक समूह देखा, ग्रुप देखा डेफोडिल्स का, which means there were nearly 10,000 of them. तो यहाँ पे बोला भी है कि 10,000 की 10,000 के करीब, लेकिन ये जो शब्द है ना, it's an exaggeration. Exaggeration मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के किसी चीज को बताना। He might have seen a few hundreds of them. तो हो सकता है कि कुछ सैकड़ों मतलब hundreds में उसने देखा हो, लेकिन यहाँ पे exaggerate किया उसने उसको। Second extract है, How are the daffodils compared to the stars? किस तरह से daffodils को सितारों की तरह compare किया गया है, इसकी तुलना की गई है। The poet says that the daffodil were twinkling like the stars because they looked bright and were many in number. तो यहाँ पे कवि क्या कह रहा है daffodils को कि ये टिमटिमा रहे हैं कैसे, सितारों की तरह, क्योंकि ये जो है चमक रहे हैं बिल्कुल सितारों की तरह ही और बहुत ज्यादा हैं इन नंबर, जैसे सितारे होते हैं बहुत ज्यादा नंबर में, चारों तरफ देखो रात में अगर आसमान साफ है तो चारों तरफ सितारे दिखाई देते हैं, तो वैसे ही ये डेफोडिल भी हैं। तो इस तरीके से उसने कंपेयर किया है डेफोडिल्स को सितारों से। व्हाट इज द मिल्की वे, ये मिल्की वे क्या है?
व्हाई इज इट रेफर टू इन द एक्सट्रैक्ट, और इसको जो है कि क्यों एक्सट्रैक्ट में इसका यूज हुआ भाई, क्यों इस्तेमाल किया गया? मिल्की वे इज अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स दैट स्ट्रेचेज लाइक अ बैंड अक्रॉस द स्काई। मिल्की वे क्या है? ये गैलेक्सी है, सितारों की गैलेक्सी है जो कि फैली हुई है एक बैंड की तरह। बैंड का मतलब होता है दल, गिरोह की तरह आसमान के अंदर फैली हुई है, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। इट इज रेफर टू द एक्सट्रैक्ट टू कंपेयर द इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टार्स टू द इनफाइनाइट नंबर ऑफ डैफोडिल। तो यहाँ पे इसका वर्णन क्यों किया गया है? यहाँ पे इसको इसलिए यूज किया गया है ताकि तुलना की जाए, जिस तरह से इनफाइनाइट नंबर है स्टार्स के, यानी अनगिनत स्टार्स है, वैसे ही अनगिनत डेफोडिल फ्लावर्स भी थे। व्हाट इज मीन बाय मार्जिन ऑफ द बे? मार्जिन का मतलब भी किनारा होता है, तो बे का किनारा का मतलब क्या हुआ? बे मतलब खाड़ी। मार्जिन ऑफ बे मीन्स द एज ऑफ द लेक, यानी कि झील के किनारे की बात कर रहा है, मार्जिन ऑफ बे का मतलब यही है। स्टेट हाउ द टेक्निक ऑफ यूजिंग एग्जैग्रेशन हाइटेंस द पोएटिक इफेक्ट इन द एक्सट्रैक्ट। तो किस तरह से ये जो तकनीक इस्तेमाल हुआ है बढ़ा चढ़ा के बोलने का, ये कैसे बढ़ा देता है पोएटिक इफेक्ट होता है, कविता का जो इफेक्ट है उसको, प्रभाव को एक्सट्रैक्ट में। द पोएट हैज एग्जैग्रेटेड द नंबर ऑफ डैफोडिल्स बाय कॉलिंग देम अ क्राउड। तो पोएट ने यहाँ पे इसको जो है कि एग्जैग्रेट किया है, नंबर जो डैफोडिल के जो गिनती है उसको कैसे, क्या बताया है? क्राउड बताया है, भीड़ बताया है। अ होस्ट कंटिन्यूअस एज द स्टार्स ऑन द मिल्की, यानी कि ऐसा ग्रुप जो कि बिल्कुल लगातार है जैसे सितारे होते हैं गैलेक्सी के अंदर, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर। इट गिव्स अस अ पिक्चर ऑफ इनफाइनाइट स्टार्स ग्रोइंग अलोंग द बैंक ऑफ द लेक एज फार एज द पोएट कुड सी। तो हमको एक ये जो है ना पिक्चर देता है, दृश्य देता है कि बहुत सारे अनगिनत सितारे हैं, मतलब सितारों की तरह है जो कि झील के किनारे है ना, बैंक ऑफ द लेक झील के किनारे जो है फैले हुए हैं, जैसा कि पोएट देख सकता है, है ना। और ये सितारे कौन है? यहाँ पे सितारे किसकी बात हो रही है? जो झील के किनारे हैं वो हैं डैफोडिल्स। तो ये चीज हाइटन करती है पोएटिक इफेक्ट को। ब्रीफली डिस्क्राइब द म्यूजिकल क्वालिटी ऑफ द एक्सट्रैक्ट। तो म्यूजिकल क्वालिटी क्या है एक्सट्रैक्ट में? तो हर एक जो लाइन है उस कंसिस्ट करता है 8 syllables का, और जो राइम है उसमें देखोगे आप A B A B C C। सॉफ्ट कॉन्सोनेंट हैज बीन यूज्ड व्हिच गिव अ म्यूजिकल इफेक्ट व्हेन रीड अलाउड, यानी कि जब आप आवाज से पढ़ोगे तब आपको एक म्यूजिकल इफेक्ट मिलेगा सॉफ्ट कॉन्सोनेंट के साथ। थर्ड एक्सट्रैक्ट है, हाउ डिड द डैफोडिल आउट डू द वेव्स। तो यहाँ पे डैफोडिल ने कैसे उनको हरा दिया भाई, आउट डू द वेव्स। द डैफोडिल्स वेयर मोर वाइब्रेंट देन द वेव्स, लहरें भी चल रही हैं और डैफोडिल्स भी अपना लहराते हुए नाच रही हैं। तो यहाँ जो डैफोडिल्स है ना वो ज्यादा वाइब्रेंट है, ज्यादा फुर्तीला है और ज्यादा जीवंत है। द डैफोडिल्स डांस्ड एंड फ्लटर्ड टॉस्ड देयर हेड व्हाइल द वेव्स जस्ट रिपल्ड एंड स्पार्क्ड। तो डैफोडिल क्या कर रही हैं? नाच रही हैं, फड़फड़ा रही हैं, लहरा रही हैं, है ना, अपना सर हिला रही हैं, और जबकि जो लहरें हैं वो सिर्फ क्या कह रही क्या कर रही है, वो लहरा रही हैं और चमक रही हैं बस। तो यानी कि जो डैफोडिल्स हैं वो ज्यादा बेहतर कर रही हैं किससे, वेव से। वेव से भी अपने में खुश हैं लेकिन डैफोडिल्स ज्यादा उनसे जो है खुश हैं और वो एक्सप्रेस कर पा रही हैं। व्हाट इज मीन्ट बाय द जोकंड कंपनी? जोकंड कंपनी का मतलब होता है चीयरफुल कंपनी। चीयरफुल कंपनी का मतलब ऐसा, मतलब कंपनी जिसमें कि आपको खुशी महसूस हो, ऐसा साथ। विच जोकंड कंपनी इज द पोएट रेफरिंग टू, और किस जोकंड कंपनी की यहाँ पे पोएट बात कर रहा है? और पोएट ये जो साथ है उस साथ को पोएट जोकंड क्यों कह रहा है, यानी खुशनुमा क्यों कह रहा है, खुशनुमा साथ। अच्छा, जोकंड कंपनी मीन्स अ हैप्पी एंड गे पार्टी। तो जोकंड कंपनी का मतलब होता है हैप्पी, खुश और जो है कि गे पार्टी। गे का मतलब भी होता है खुश होना। अब यहाँ पे द पोएट फाइंड हिमसेल्फ इन द जोकंड कंपनी ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। पोएट क्या कर रहा है, अपने आप को पाता है जोकंड कंपनी में, यानी चेयरफुल कंपनी में, और कंपनी वो किसकी है, गोल्डन डैफोडिल्स की, यानी सुनहरे वो फूलों की। एंड डांसिंग वेव्स, और जो लहरें हैं नाच रही हैं, दे ऑल वेयर जोकंड बिकॉज दे डांस्ड मेरिली विदाउट अ पॉज।
यानी कि ये सब जोकंड इसलिए हैं, यानी खुशनुमा खुशी वाला साथ इसलिए है इनके साथ, क्योंकि ये नाच रहे हैं मेरिली, मतलब खुशी से, विदाउट अ पॉज, बिना रुके हुए लगातार। विच वेल्थ इज रेफर टू बाई द पोएट, कौन से खजाने की यहाँ पे बात हो रही है, धन की बात हो रही है, सॉरी, ट्रेजर मतलब खजाना, वेल्थ मतलब धन। एक्सप्लेन हाउ द वेल्थ वॉज ब्रॉट टू द पोएट, तो किस तरह से जो है कि वेल्थ जो है आया पोएट तक। द हैप्पी एंड ब्यूटीफुल सीन मेड द पोएट हैप्पी, अब ये जो खुश और खूबसूरत सीन था, दृश्य था, इसने कवि को जो है खुश कर दिया। बट हिज जॉय वॉज नॉट मोमेंट्री, लेकिन ये क्षण भर का सिर्फ आनंद नहीं था, इट वॉज अ जॉय फॉर एवर, ये आनंद था हमेशा का। द मेमोरी ऑफ द सीन मेड हिम हैप्पी अगेन एंड अगेन लेटर, इट वॉज द वेल्थ द सीन हैड ब्रॉट टू द पोएट, तो जो उसकी याद है, मेमोरी उस दृश्य की, वो उसको बार बार खुश कर देती है, और यही धन है ना, जो सीन उसके लिए लेके आता है, यानी जो सीन है ना वही उसके लिए क्या बन गया, एक धन बन गया, क्योंकि वो धन वो हमेशा अपने पास रखा, और जब जब कभी वो याद करता है तो उसका मन भी उन डेफोडिल्स की तरह, उसी दृश्य की तरह झूमने लगता है, खुशी से भर जाता है। विथ रेफरेंस टू द अबव एक्सट्रैक्ट स्टेट वाई वर्ड्सवर्थ कैन बी कॉल्ड नेचर पोएट, भाई प्राकृतिक वाला कवि था, प्रकृति का कवि था, ये कैसे कह सकते हो संदर्भ में जो पहले एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। वर्ड्सवर्थ लव्ड नेचर, ये प्रकृति से प्यार करता था। ही लाइक टू वंडर इन वुड्स, तो वो उसको अच्छा लगता था घूमना, है ना, पेड़ों के बीचों में से, घाटियों में, जंगलों में और पहाड़ियों पे। ही लव्ड एंड एडमायर्ड द सीन्स ऑफ नेचर, वो मोहब्बत करता था ऐसे दृश्य से और प्रशंसा करता था ऐसे दृश्यों की जो प्रकृति के हैं। एंड डिस्क्राइब देम ब्यूटिफुली इन हिज पोयम, और बहुत खूबसूरती से उसका वर्णन इसने किया अपने कविताओं में। वॉट इज द मूड ऑफ द पोएट इन द अबव एक्सट्रैक्ट, ये जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ था इसके अंदर पोएट का मूड कैसा है, मतलब मन कैसा है उसका। विच लाइन टेल यू सो, और कौन सी लाइन से पता चलता है उसके मूड के बारे में। वाई ही इज इन सच अ मूड, और वो ऐसे मूड में, ऐसी अवस्था में, ऐसे मन में क्यों है। द पोएट इज इन अ हैप्पी मूड, खुश अवस्था में है, एकदम खुशी वाला मूड है उसका। द लाइन्स अ पोएट कुड नॉट बी गे इन सच अ जोकंड कंपनी टेल्स अस दैट ही वॉज वेरी हैप्पी, तो ये जो लाइन है कि बस खुश होने के अलावा और कर ही क्या सकता है एक कवि ऐसे जो है खुशनुमा जो है कि साथ में, तो ये लाइन बताती है कि वो काफी खुश था। द डेफोडिल्स एंड द वेव्स वेयर हैप्पी एंड देयर हैप्पीनेस वॉज इन्फेक्शियस, जो डेफोडिल्स हैं और लहरें हैं वो जो है काफी खुश हैं, और उनकी जो खुशी है वो बिल्कुल शीघ्र प्रभावी है, यानी आगे बढ़ने वाली है, यानी कि ये भी उससे खुश हो गया। इन्फेक्शियस एक नेगेटिव वर्ड है, जैसे कि रोग फैलाने के लिए भी बोलते हैं इन्फेक्शियस, तो यहाँ पे खुशी मिले उसको, उनकी खुशियों से इसको भी खुशी मिले, तो यहाँ पे उसके लिए इन्फेक्शियस का यूज किया गया है कि ये इसको भी प्रभाव मिला, शीघ्र प्रभावी चीज को भी इन्फेक्शियस कहते हैं, तो ये भी प्रभावित हुआ उस खुशी से और इसको भी खुशी मिली। इट मेड हिम हैप्पी टू, देखो लिख भी दिया कि इसने इसको भी खुश कर दिया। लास्ट है ये एक्सट्रैक्ट 4, What happens to the poet when he lies down on his couch in a pensive mood? जब वो जो है सोफे पे बैठता है सीरियस मूड में, या कह सकते उदास मूड में, तो क्या होता है पोएट के साथ। When the poet lies down on his couch in a pensive mood, memory of the scene of dancing daffodil flashes on his mind. He feels he is again in the company of daffodils and it makes his whole dance with them again. जब पोएट सोफे पे बैठता है सीरियस मूड में होता है, तो जो दृश्य है नाचती हुई डेफोडिल्स का, वो उसके जो है मन में, आंखों के अंदर कौंधती है, यानी उसको जो है वो दृश्य याद आता है, फ्लैश करता है, चमकता है उसकी याद में, है ना, उसके दिमाग में, मस्तिष्क में, तो वो महसूस करता है कि वो फिर से जो है कि उसी डेफोडिल्स के साथ है, और इसकी वजह से उसका मन भी नाचने लगता है और इससे वो खुश हो जाता है कि उसका दिल भी उसके साथ झूमते हुए नाचता है, और इससे वो उसका पूरा मन भर जाता है। तो इस तरीके से होता है जब वो पोएट सोफे पे अकेला बैठा होता है। व्हाट इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड रेफर टू इन द एक्सट्रैक्ट, यानी परम आनंद, अकेलेपन में जो परम आनंद है उस किसके लिए यूज किया गया है, क्यों कहा गया है, तो यहाँ पे किस चीज को रेफर किया जा रहा है कि ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड है, अकेलापन का परम आनंद है।
हाउ डज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड टेक प्लेस, तो कैसे ये ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड होता है। ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड इज द जॉय वन फील्स व्हेन अलोन। ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड यानी अकेलेपन का परमानंद, ये वो खुशी है जब कोई अकेला होता है तो उसका महसूस होती है। द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड रेफर टू इन द एक्सट्रैक्ट इज द जॉय द पोएट फेल्ट व्हेन ही वाज सैड एंड लोनली। तो ये जो अकेलेपन का जो परमानंद है, सुख है, ये किसके संदर्भ में, किसके बारे में बात हो रही है एक्सट्रैक्ट में? उस खुशी के बारे में बात हो रही है जो खुशी कवि महसूस कर रहा है जब वो कैसा है, सैड है, उदास है और जो है अकेला है। द ब्लिस कम्स टू हिम इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी ऑफ डांसिंग डेफोडिल्स। अब यहाँ पे जो खुशी है, परम सुख है, वो आता है किस फॉर्म में? मेमोरी की फॉर्म में, यानी याद की तरह आया उसके पास, है ना। और वो याद कैसी है? डांसिंग डेफोडिल्स की है, व्हेन ही इज अलोन, जब वो अकेला है, सैड है, दुखी है, एंड इन थॉटफुल मूड, है ना, और सोच विचार कर रहा है। थर्ड है कि एक्सप्लेन द ट्रांजिशन फ्रॉम पोएट्स पेंसिव मूड टू हिज हार्ट फिल्ड विद जॉय। कैसे परिवर्तन होता है, ट्रांजिशन होता है, पोएट जो है सीरियस मूड में है और फिर उसका दिल जो है भर जाता है खुशी से। व्हेन द पोएट इज लोनली, सैड एंड इन थॉटफुल मूड, लाइज ऑन हिज कॉच, जब पोएट जो है बिल्कुल अकेला है, दुखी है और सोच रहा है, सोचने वाली अवस्था में है और अपने फोपे पे बैठा हुआ है। बट सडनली द मेमोरी ऑफ डांसिंग फ्लावर फ्लैशेज इन हिज इमेजिनेशन। लेकिन होता क्या है, एकाएक जो याद है, मेमोरी है नाचते हुए डेफोडिल्स का, वो जो है कि उसके मस्तिष्क में जो है चमकता है, उसके ख्याल में, उसकी कल्पनाओं में वो याद करता है उस सीन को, उस दृश्य को। ही फील्स ही इज इन द कंपनी ऑफ द गे डेफोडिल्स। वो सोचता है कि वो कहाँ है, वो कंपनी में है, किसके कंपनी में, डेफोडिल्स के, जो कि क्या है, गे। गे का मतलब होता है खुश, खुश भी होता है। ठीक है, आगे कह रहा है हिज लोनलीनेस। गे डेफोडिल्स का मतलब ये भी कह सकते हो, जो कि मतलब आकर्षित करते हुए डेफोडिल्स हैं। हिज लोनलीनेस, सैडनेस एंड मेलनकोली ऑल वैनिश। तो अब ये जैसे ही ख्याल इसको आता है उन डेफोडिल्स का नाचती हुई, तो इसका जो अकेलापन है, इसका जो दुख वगैरह है, ये सारा मूड वगैरह इसका बदल जाता है। ही इज हैप्पी अगेन। वो उनको झूमते हुए याद करता है तो इसका मन भी उसके साथ झूमने लगता है। हिज हार्ट इज फिल्ड विद जॉय। तो इसका दिल भी जो है फिर खुशी से भर जाता है उनको याद करके। विद रेफरेंस टू द लास्ट टू लाइंस ऑफ द एक्सट्रैक्ट स्टेट द इन्फ्लुएंस दैट नेचर कैन हैव ओवर एन इंडिविजुअल्स माइंड। तो जो लास्ट की दो लाइनें दी हुई हैं, इसके संदर्भ में आपको बताना है कि किस तरीके से किसी एक व्यक्ति के मन को प्रभावित करता है नेचर, यानी प्रकृति। नेचर इज अ हीलर। हीलर का मतलब होता है आरोग्य करने वाला। आरोग्य का मतलब जो आपके जख्मों को भरे, आपको हील करे, आपको ठीक करे। इट इज लाइक अ नर्स। नर्स की तरह होता है। इट गिव्स कंफर्ट एंड सोलेस, यानी आपको आराम देता है, सांत्वना देता है। इट रिमूव्स सैड एंड अनहैप्पी थॉट्स एंड फिल्स आवर हार्ट विद होप एंड जॉय। तो ये हटा देता है दुख, रिमूव्स कर देता है हमारे मन के अंदर से जो दुख है उसको। अनहैप्पी थॉट यानी कि जो खुशी ना देने वाले सोच विचार हैं उनको हटा देता है और हमारे दिल को भर देता है उम्मीदों के साथ और आनंद के साथ। वर्ड्सवर्थ सेज दैट पोएट्री इज द ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग अराइजिंग फ्रॉम इमोशंस री कलेक्टेड इन ट्रैक्विलिटी। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि कविता क्या है, ओवरफ्लो होता है, बहता है हमारी भावनाएं जो कि उठती हैं हमारे एहसासों से, इमोशन से, जो कि जमा की गई है, रिकलेक्ट की गई है इन ट्रैंक्विलिटी यानी शांति में। इन दिस कॉन्टेक्स्ट स्टेट हाउ द पोयम शोज द ट्रूथ ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो ये पोयम भी कैसे इस सत्य को दर्शा रही है, इसको आपको क्या करना है, जस्टिफाई ही करना है, एक तरीके से शो करना है आपको कि ये जो है हमारी भावनाएं है, ओवरफ्लो है हमारी फीलिंग्स का, भावनाओं का, जो कि उठती है किससे, हमारे एहसासों से जो हम लोग कलेक्ट किए हुए हैं शांति में। तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ आइडिया ऑफ अ पोएट्री इज दैट इट ओरिजिनेट फ्रॉम द ओवरफ्लो ऑफ द फीलिंग रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी।
यहाँ पे विचार क्या है पोएट्री का कि ये कैसे उत्पन्न हो रहा हो, जिनेट हो रहा है, ओवरफ्लो होता है, बहती हैं हमारी फीलिंग्स, भावनाएं, और जो कि हम लोगों ने रिकलेक्ट किए हैं कहाँ पे, शांति में, ट्रैंक्विलिटी में। दिस मीन्स दैट द पोएट ऑब्जर्व सम ऑब्जेक्ट, यहाँ इसका मतलब ये है कि जो कवि है वो क्या कर रहा है, कुछ ऑब्जर्व कर रहा है कुछ चीजों को। इट सेट्स ऑफ पावरफुल इमोशन इन हिज माइंड, और ये क्या कर रहा है, ये सेट कर रहा है, बैठा रहा है, पावरफुल मतलब शक्तिशाली भावनाएं, इमोशन वगैरह, एहसास उसके मन में। द पोएट लेट्स देम सिंक इन टू हिज माइंड, और पोएट भी यहाँ पे इजाजत दे रहा है ऐसी भावनाओं को कि वो उसके मन में बैठ जाए, भर जाए। एट अ लेटर मोमेंट ही रिकलेक्ट दोज इमोशन इन ट्रैंक्विलिटी एंड प्रोड्यूसेस अ पोएम, बाद में होता क्या है, ये इन सारे जो दृश्य वगैरह जो वो ऑब्जर्व वगैरह कर रहा है अकेले है, उस सबको क्या करता है, ये शांति में रिकलेक्ट करता है, एक जगह इकट्ठा करता है, और क्या कर रहा है, एक पोएम बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। द पोएम डेफोडिल क्लियरली एक्सप्लेन्स हिज डेफिनेशन ऑफ पोएट्री, द पोएट सॉ अ ब्यूटीफुल सीन ऑफ डांसिंग डेफोडिल, ही वॉज फिल्ड विद अ जॉय, एट लेटर मोमेंट वेन ही वॉज अलोन इन ट्रैंक्विलिटी ही कलेक्टेड दैट सीन, ही फेल्ट द ब्लिस अगेन, द रिजल्ट इन दिस इज दिस पोएम। अब यहाँ पे यही बात कह रहा है, यहाँ तो आइडिया की बात हो रही है, किस तरह की आइडिया, यहाँ पे विचारधारा है, इसकी विचारधारा ये है कि हम लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं, शांति में बहुत सारे दृश्य वगैरह देखते हैं, और जब सारे दृश्य वगैरह खुशनुमा हम देखते हैं, और जब कभी एक जगह खाली बैठे होते हैं, ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति से, तो हम क्या करते हैं, उन सारे दृश्यों को एक जगह जमा करते हैं, और फिर जो हमारी भावनाएं उभर के आती हैं वो हमको जन्म देती हैं। तो यहाँ पे डेफोडिल भी एक जो है बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन करता है इस डेफिनेशन को कविता की। यहाँ पे जो पोएट है वो एक खूबसूरत दृश्य देख रहा है, जहाँ पे जो फूल हैं, डेफोडिल्स हैं, वो नाच रहे हैं, वो देखकर खुश हो जाता है। बाद में होता क्या है, जब वो अकेला है ट्रैंक्विलिटी में, ये क्या कर रहा है, फिर से एक जगह पे जमा कर रहा है उस सारे दृश्यों को, और क्या कर रहा है, ये महसूस कर रहा है परम आनंद फिर से दोबारा, और जिसकी वजह से ये पोयम जो है इसने लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो सोच है, मतलब आइडिया है, जैसा वो कह रहा है कि ओवरफ्लो है फीलिंग्स का, तो वो इस पोयम से इस तरीके से जो है जस्टिफाई हो रही है कि ये वो पोयम उसने लिखा ही ऐसे है कि उसने देखा कभी और है, और फिर बाद में अकेले बैठ के उसने जो है कि पूरा इसको वर्डित किया, इसको लिखा, पोयम बना डाला।